वो सब संख्याएं कैसी होती हैं? वो सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले संख्याएं, संख्याएं, संख्या पद्धति एक बड़ा टॉपिक है जो 10-12 दिन तो ले ही जाता है कम से कम, कितना भी जल्दी कराओ तो, इससे आता है भी ये पेपर में। तो संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में आती हैं, सभी संख्याएं और जीरो सहित। जैसे कोई पूछे जीरो, अब जीरो के इधर जब हम इधर जाते हैं तो प्लस की संख्याएं होती हैं और इधर जाते हैं तो माइनस की संख्याएं होती हैं। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, जितनी भी संख्याएं हैं वो सब संख्याएं प्लस की होंगी और जो इधर वाली संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी? माइनस की। अब आप देखना ध्यान से, कोई आपसे पूछे ये बताइए इसमें डेढ़ कहां आएगा, कोई आपसे ये पूछे इसमें ये बताइए डेढ़ कहां आएगा, तो आप कहेंगे डेढ़ आएगा एक और दो के बीच में, है ना? दो, एक और दो के बीच में ही तो डेढ़ होता है, तो यहां कहीं आएगा डेढ़। कोई आपसे पूछे ये बताइए पौने दो कहां आएगा, तो पौने दो यहां कहीं आएगा, दो से थोड़ा सा छोटा होता है पौने दो। सवा एक कहां आएगा, सवा एक यहां कहीं आएगा, आधा कहां आएगा, आधा यहां कहीं आएगा, माइनस का उधर आएगा। तो ये सब संख्याएं रियल नंबर कही जाती है, और जो संख्याएं हम नहीं पढ़ते हैं अपने जीवन में, जैसे मैं कहूं आपसे किसी संख्या का वर्ग कभी माइनस में हो सकता है, आप कहेंगे ये तो पढ़े ही नहीं, किसी संख्या का वर्ग कभी भी माइनस में नहीं होता है, ये जो बात है ये गलत बात है। सही है कि नहीं सही है? ये जो बात है ये कैसी बात है? ये गलत बात है। अब मैं आपसे ये कहूं कि अच्छा ये नहीं हो सकता, तो आप बताइए किसी संख्या माइनस के चार का वर्गमूल बताइए, माइनस के चार का वर्गमूल बताइए। तो आप बताइए माइनस के चार का वर्गमूल कोई निकाल सकता है क्या होगा? तो आप कहेंगे जब ये किसी संख्या का वर्ग ही नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, देखो पढ़ने से पहले आप थोड़ा सुधार करें। इस बार आपने ये देखा होगा जो अभी पैट का पेपर आया, तो पैट का पेपर जो आया वो पैट का पेपर कोई सिंगल बंदा ये नहीं कह सकता कि पेपर टफ था, हर बंदा यही कहेगा कि पेपर सरल था। आप किसी के मुंह से नहीं सुन सकते कि ये टफ था, 100 में से एक नहीं कह सकता। कोई मान लो ब्रोकली खच्चर है तो कह सकता है, नहीं कोई नहीं कह सकता। और कोई ये भी नहीं कह सकता मेरा 80 से ज्यादा स्कोर रहा है, 80-90 के बीच में जब रहा है। इसकी वजह मालूम है क्या? इसकी वजह यह है, आप, मैं सच बता, आप ये देखना इस चीज को, आपने भी देखा होगा कि जो पेपर का लेवल था वो पेपर का लेवल ऐसा लेवल था जो बच्चे की समझ पर डिपेंड करता है। आप किसी को भी पूछना, कितना ही होशियार रहा हो, चाहे वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कहीं पढ़ाओ, आप उससे रिजल्ट पूछना कितना स्कोर है, 80 से कम ही बताएगा, चाहे उसे पढ़ते पढ़ते 10 साल हो गई, चाहे 5 साल हो गई। 100 में से इक्का दुक्का अलग बात है, हम कह रहे हैं ना इक्का दुक्का अलग बात है, अपवाद तो होता ही हर केस में, ठीक है, लेकिन 100 में से 90 का ही चांस है। हमने कई लोगों से पूछा, कोई इलाहाबाद पढ़ रहा था, कोई बंबई, कोई कलकत्ता, सब के बिगड़ गया पेपर पैट का, कोई 55, कोई 60, लगभग यही रहा है मैक्सिमम का, जबकि पेपर इतना सरल। और ये यही पेपर नहीं, 2021 के जितने भी पेपर हुए हैं सब ऐसे ही हुए हैं, तुमने शायद ना दिए हो, मैंने कई देखे हैं इस बार पेपर 2021 के, 2021 के जितने भी पेपर हुए हैं वो सब पेपर ऐसे हुए हैं, CHSL के आपने ना देखे हो, CGL के जो हुए हैं वो ना देखे हो, ये सब वो पेपर हैं जो सरल पेपर हैं, लेकिन स्कोर ज्यादा नहीं जा पाया, ना पैट में ज्यादा जा पाया। क्यों? क्योंकि आपकी समझ पे पेपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैथ के 25 आए, 5 अर्थमेटिक के आए थे, 20 DI के आए थे, तो 25 में से एक क्वेश्चन, 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा था जो आप डिक्टो यहां से मैच करा सकते हो। 100 वाली शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि 20% बढ़ा, 30% घट गया, शायद 16 आंसर आ रहा था, माइनस के 16, हाँ 16, तो एक सवाल डिक्टो सेम मैच खाया। डीआई को भी थोड़ा बहुत बदला, हम लोग अनुपात ऐसे पढ़ते थे 3:2 वगैरह, उसमें इसी को ऐसे दे दिया 3:2 को डेढ़, अब लोग फंस गए, ये अनुपात है कि दशमलव की संख्या है, फिर ज्योग्राफी और भूगोल का अनुपात दिया था, और लोग बाहर आके कह भी रहे थे डीआई टफ आई है, ऐसे कुछ तमाम शब्द थे उनके, तो डीआई टफ नहीं थी। ये सब आपकी समझ पर डिपेंड करता है। पहले के पेपर होते थे जैसे आप रट के चले जाओ बस आप कर आएंगे, मैथ डिक्टो मैच कर जाएगा, GS के कुछ क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, हिंदी के कर जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं था, जिसने पढ़ा है उसका भी कोई खास मतलब उतना ही स्कोर था, जिसने अच्छा खासा पढ़ा है उसका भी इतना ही स्कोर था, ठीक है कि नहीं? अब आया कैसा था, GS ही देख लो, GS में एक किताब आती थी पहले 5 रुपए की, GK की, कौन कहां है, उससे क्वेश्चन रखे गए थे, भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, या भारत नेपाल की, भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। कोई उसमें ऐसा नहीं था जो आप क्लास में पढ़ते हो और वो मैच कर जाए, सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको जनरल नॉलेज में आने चाहिए वो पेपर था, ऐसे ही मैथ का था। तो ये हम इसलिए समझा रहे कि आप समझ समझ के पढ़ें, आप रटने पर फोकस न करें,
इसलिए ये बात समझाइए। तो सब जो, अब मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चों की कहानी बताता हूँ। एक लड़का था और वो तैयारी कर रहा है, मुझे पता है, लगभग जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया वो तैयारी चल रही है उसकी। 2014-15 से मैंने किया, शायद 15 से मान लो, लगभग 6 सालें हो गई। सब टीचर छानवारे, ऑनलाइन जितने भी हैं, ऑफलाइन जितने भी हैं, टफ, वो 6-6 लाइन के क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन, कॉपी बन ली रजिस्टर 10-15, हरे पेन से, लाल पेन से, नीले पेन से, वो जैसे जैसे बढ़ते हैं ना सब। अब उसका जो एनटीपीसी का स्कोर था, 28, हाँ ऐसे ही था, 26-27, ठीक है। अब उसका पेट का पेपर हुआ, पेट के पेपर में हो रहे हैं 33। अब तुम सोचिए ऐसे ऐसे, उसने पुलिस का भी पेपर दिया था, उसने पुलिस का पेपर दिया, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। तो पुलिस के पेपर में उसने इतर से पॉलिटी, ये ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री, उत्तर, जो पुलिस का पेपर हुआ था 2018 उसमें आया था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, उसे यही नहीं पता। तो ऐसी पढ़ाई भी किस काम की कि आप टप टप सब निपटा डालें और पेपर आ जाए सरल, अब तब भी खत्म। तो चीजों को समझते हुए, टफ आए तब भी कर लें, सरल आए तब भी कर लें, ठीक है। ये वो जमाना खत्म हो गया है। आज से 2 साल जो पहले था कि सवाल टफ आते थे, आप पिछले किसी भी 1-1.5 साल के पेपर में सवाल टफ नहीं देख सकते कि जहां सवाल टफ आया हो। इक्का दुक्का तो खैर रहता ही है, पेपर कभी कभी बना देते हैं, नहीं तो मेरिट आई जाएगी, लेकिन ज्यादा टफ नहीं रखा गया कोई क्वेश्चन कि 6 लाइन का। वो यूट्यूब पर देखे होंगे आप, 1 सेकंड में करें इतना बड़ा सवाल, वो खुद रट के आता है टीचर 6 बार पहले से, तब तुम्हें करा पाता है 1 सेकंड में। उसी टीचर को खुद पेपर में बिठाल दो ना, वो खुद चेक करेगा कि मैंने सही किया है कि मैंने गलत किया है। जितने ये शॉर्ट तरीके होते हैं कि आप बस देखते ही ठीक ठीक लगा देंगे, ऐसा आ जाए तो ऐसे, अगर उसी टीचर को पेपर में बिठा दो तो सरल सवाल को वो खुद 2 बार चेक करेगा कि मैंने सही किया है कि गुणा भाग तो गलत नहीं कर दिया। यहां वो टेंशन फ्री होता है जाएगा गुंत है जाओ, कोई ना कोई बताई देगा आपने चाहती है तेरा कर दिया, गलत कर दिया है, ठीक है अच्छा करेक्शन कर लो। जबकि टेंशन उसे भी रहती है पेपर में कि मैंने पहली बार रियलाइज किया है खुद अपने आप को, तो मैंने इस बार पढ़ाने का तरीका बदला है पूरा हर बैच में, ठीक है। हाँ ठीक है, इस बार मैंने सब कई पेपर दिए, पैट वेट का मैंने खुद दिए, पर मेरा स्कोर तुम सबसे ज्यादा होगा ये पक्का है, बहुत है, ठीक है। अब तुम सोचो मैं मैथ का टीचर, ये मान के चलिए मैं मैथ का टीचर, जब मैं सोच के गया था ना, मैं ये सोच के गया था 25 नंबर का कराऊंगा, 20 की DI, 5 का गणित है और 3-4 रीजनिंग में कराऊंगा, बस कर में बहुत आया, तो इसलिए आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए अंग्रेजी में 5 में से 4 सही है, हिंदी में सबके सब सही है, GS में 8 गंत है बस। सुबह है अहम, ये सब कॉमन सेंस पे थे आप ना, सुनो बात ऐसी नहीं है, आप मेरी वो वाली आंसर की मिलती है उससे चेक कर लेना, 82 सही है 82, और मुझे लगता है 82 तुम में से किसी के नहीं होंगे, अतः काट पीट के तो खैर 76 हो रहे हैं लेकिन 82 सही है। आप सोचिए 76-77 ऐसे कुछ हो रहा है। अब आप सोचो मेरा तो 0 था, माइनस में था GS VS, तब भी मतलब समझ पे, आपकी समझ पे डिपेंड करते हैं ये क्वेश्चन, यही तो देख लो आप है क्या हुआ, तो शर्त रख लो कल मैं तुम्हें दिखा दूंगा आंसर की, या रिजल्ट आया वो दिखा दूंगा ना गोला भरे हुए वो है GS, मैं बता दे रहा हूं, तुमने GS की 6 महीने की पॉलिटी पढ़ रखी हो और जिसने ना पढ़ रखी हो, आप बताइए दोनों में क्या अंतर था, कोई अंतर नहीं था। आप बताइए GS में ऐसा आपने क्या पढ़ा क्लासों में जो एक नॉर्मल GK में नहीं आता, पेपर आउट शुभ्र, ठीक है कि नहीं ठीक है, ओए अफवाह नहीं, ठीक है बात नहीं, चलिए आगे आ जाइए, ओए बात नहीं अब ठीक है। पर देखो मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, ये मतलब आप खुद सोचिए ना, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आए, नॉर्मल से आए 21 आया था और एक वो आया था टाइप 20, जिसने कभी एक आध बार भी कभी पॉलिटी देख ली होगी वो कराएगा, कोई अच्छा अनुच्छेद तो आया नहीं था, शिक्षा का अधिकार आया था, एक और आया था 29, हाँ दोनों नॉर्मल थे, बस 2 ही आए। GS में ऐसा कोई पेपर क्वेश्चन नहीं था जो आपने नहीं पढ़ रख, मतलब क्लास में पढ़ाओ, सब सरल था ना, आप में और हम में कोई अंतर नहीं था पेपर में, ये था।
और हम आप यकीन मानेंगे जो बहुत से लोगों ने जो हमारे मतलब पैसे थे परचेज प्रैक्टिस सेट लगाए उनके हमसे कम है। हम पिक्चर देखे चार, एक भुज देखे उसी दिन पर ये गलत तरीका आप निकल गए फॉलो। ठीक है चलिए आगे अपने तरीके पे आ जाइए। सब सही हमारे सब एक तरफ से लाइन आठ घंटे जीएसएम बस ना, और ये हिंदी और ये हिंदी बिंदी तो 100% सही। ठीक है इधर देखो बात नहीं अब आगे आ जाइए। चलिए इस बार हम सब पेपर दे रहे हैं, ट्रिपल सी का भी दे के आए सैटरडे को वो नहीं बताएंगे बाद बताएंगे। चलो आगे देखो इधर देखिए अब आगे बात नहीं, उसमें हमारे 96 सही है चार घंटे ट्रिपल सी वाले में। ओए इधर देख लो आगे चलो है क्या है में भरोसा है हमको देख लियो तुम। चलिए आगे देखिए बात नहीं, ओए इधर देखो बात नहीं है, मतलब मेरा समझाने का मतलब यह है आप सही से पढ़िए। ठीक है ये तो फालतू की बातें थी सब, देखो आगे तो आप ये समझ गए इधर की संख्याएं सब माइनस की होती, इन्हीं में से ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो बेसिक सा होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब छोटी सी बात इसमें एक और समझेंगे आप, जब हम इधर से इधर को जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं, सही है कि नहीं सही है। कोई आपसे ये पूछ ले ये बताइए माइनस के एक बड़ा या माइनस के दो बड़ा, तो माइनस के एक बड़ा होगा ना कि माइनस के दो। जब हम इधर से इधर को जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं, कभी ये पूछ ले एक और दो में कौन बड़ा, तो दो बड़ा, सही है कि नहीं सही है, यानी एक और दो में कौन बड़ा, दो बड़ा। अब आप देखना ध्यान से, एक और दो में दो बड़ा है एक छोटा है, तो इधर को जाते हैं तो बढ़ती जाती है। अब यहां पर एक और बात समझिए आप इसमें, अच्छा पहले इसको समझाते हैं, तो अब इसका हम वर्गमूल तो जानते नहीं है क्योंकि किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं माइनस के चार, अब जो चीज होती ही नहीं है उसको निकालें कैसे, तो फिर इसका क्या एक नाम दे दिया, एक कैसे नाम दे दिया इसको आप देखो। आपको एक और बात बताएं, अगर कहीं अंडर रूट में 15 लिख रखा है तो क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते अंडर रूट में 5 गुणा अंडर रूट में 3, सही है कि नहीं सही है, अंडर रूट में 5 गुणा अंडर रूट में 3, तो ऐसे ही इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, चार को अलग कर लिया माइनस वन को अलग कर लिया। अब चार का वर्गमूल जानते हैं, इसको एक नाम दे दिया गया आई, जिसे आयोटा कहते हैं, ये एक इमेजिनरी नंबर है काल्पनिक, इसकी सिर्फ कल्पना की गई है, ये है नहीं पर सच्चाई में। ठीक है तो ये 2i इसका मान निकल के आया, ये काल्पनिक संख्या है, हालांकि ये हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा है इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं, अगर इन दोनों को मिला दें तो उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या, अगर हम दोनों को मिला दें तो उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या, और हिंदी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां दोनों मिले हो वास्तविक भी और काल्पनिक भी। जैसे इसका उदाहरण देखें तो 2+3i, तो ये हो गया वास्तविक और ये हो गया काल्पनिक, ठीक है कि नहीं ठीक है, तो इसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या, हालांकि हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है तो इस पर ज्यादा कुछ समझेंगे नहीं, इधर वाले पोर्शन पर ही समझते हैं। अब देखना आप यहां पर, मैं आपसे ये कहूं कि ये जो संख्याएं हैं इसमें दो तरीके की संख्या, एक दशमलव की संख्याएं भी हैं और एक बिना दशमलव की संख्याएं भी हैं, तो इन संख्याओं को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक दशमलव वाली संख्याओं को अलग कर लेते हैं, जैसे 1.5, 2.5, 3.5 या और भी जो भी संख्या है दशमलव वाली, और एक तरफ हमने केवल और केवल जो दशमलव की नहीं है वो संख्याएं कर ली, माइनस के 2, 0, 1, 2, 3, आराम आराम से समझना। इसे जो कहते हैं इसे कहते हैं पूर्णांक, और हिंदी में कहते हैं इनको इंटीजर, सॉरी इंग्लिश में, ठीक है, और इन्हें कहते हैं दशमलव की संख्या। अरे ये कोई याद थोड़ी करना है, जो दशमलव की है वो दशमलव की, जो पूरी पूरी है वो पूर्णांक, ठीक है, दशमलव की संख्या है, दशमलव की संख्या है। अब इसे इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार की संख्याएं, एक संख्याएं तो है माइनस की और एक संख्याएं प्लस की, तो माइनस वाली है इन्हें तो कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको हम लिखते हैं आई माइनस से, कभी कभी ये चिन्ह बनाया जाता है, ठीक है, और ये वाली जो है इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, और इनको
हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं आई प्लस, अब रह गया जीरो। तो जो जीरो है वो ना तो धनात्मक है, ना धनात्मक और ना ऋणात्मक, सही है कि नहीं सही है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। जैसे न्यूट्रॉन होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन धनात्मक ऋणात्मक हो गए, तो ये जो हो गया जीरो वो कैसा होता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, पूर्णांक है लेकिन ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ठीक है, उदासीन कह सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इसको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले सी को आगे ले चलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, ये बताओ सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, बताओ। तो आप ये बात जानते हैं, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, देखो आप मुझे ये बताइए, ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो ऋणात्मक संख्याएं यहां पर आके खत्म हो रही हैं, यहीं तक तो है ऋणात्मक संख्या, आगे देखो यहीं तक तो है ऋणात्मक संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, माइनस का वन, छोटी अनफाइनाइट होगी, वो नहीं निकाली जा सकती, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, छोटी छोटी सी बातें बताएंगे आप, ये बात सबको समझ में आ गई। अब यहां देखेंगे आप, देखना ध्यान से, मैं आपसे पूछूं ये बताइए ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, ये बताओ, नेगेटिव इंटीजर, भूलते जाओ, भूलने में क्या दिक्कत है, माइनस के एक, माइनस के दो, माइनस के तीन, माइनस के चार और डॉट डॉट कहां तक, माइनस के इनफाइनाइट। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये बताइए अऋणात्मक कौन से होंगे, अऋणात्मक को हम समझा दें, आ लगा देते हैं किसी के बाद आगे, तो आप जानते हैं अऋणात्मक का मतलब होता है जो ऋणात्मक नहीं है। अब बताइए, तो इंग्लिश में इसका आसान है, नॉन नेगेटिव, ये बताइए नॉन नेगेटिव क्या होंगे, आराम से सोच के बताओ, आप सीखो कम से कम, चाहे और दो दिन ज्यादा लग जाए पर सीखो तो सही, नॉन नेगेटिव बताने आपको, आराम से बताइए, बोलो भैया। अच्छा चलिए एक बात समझाई, मुझे बताइए, मैं कहूं क्लास में जितने लोग हैं उनमें से लड़के लड़के बाहर चले जाएं, मान लो कोई काम है बेंच उठ के आनी है, और एक सवाल ये कहें हम कि लड़कियों को छोड़ के बाकी लोग चलें, तो इन दोनों बातों में कोई फर्क है कि नहीं है, है। हम कहें लड़के लड़के चले जाएं तो आप लोग जाएंगे, और हम कहें लड़कियों को बैठा रहने दो बाकी सब चलो तो हम भी चलेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई, है कि नहीं, तो यानी यहां पर हम एक तरीके से जीरो हैं, यहां पर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, हम जीरो। अगर लड़कियों को छोड़कर बाकी चलें तो हम भी चलेंगे, और केवल लड़के लड़के चले जाओ तो आप जाएंगे, केवल लड़कियां लड़कियां जाओ तो आप जाएंगी, और हम कहें जाओ रोटी बनानी है बाहर ऑफिस में, मतलब लड़कियां लड़कियां जाएंगी तो आप जाएंगे, और लड़कों को छोड़कर बाकी चलें तो हम भी चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ऋणात्मक पूछा जाए तो ऋणात्मक को तो मालूम है नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, तो ऋणात्मक में तो ये आ जाएंगे, लेकिन अऋणात्मक में क्या है कि जीरो भी आ जाएगा। अरे ऋणात्मक इतने को हटा दीजिए ये वाले बस पोर्शन को, तो ये वाले को हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, जीरो एक दो तीन डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब देखना आप आगे, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताइए धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, तो आप कहेंगे धनात्मक पूर्णांक होंगे, इनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, सबको बताइए, जीरो नहीं आएगा, एक दो तीन चार डॉट 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 इनफाइनाइट। और आपसे पूछ ले ये बताइए अधनात्मक नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव तो कौन से आ जाएंगे, तो आ जाएंगे कौन से, जीरो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन और डॉट डॉट माइनस के इनफाइनाइट। अब जो ये वाली संख्याएं है ना, ये वाली, इन्हीं संख्याओं का दूसरा नाम होता है पूर्ण संख्याएं, और इंग्लिश में इनको कहते हैं होल नंबर। और जो ये वाली संख्या है ना, ये वाली, इन्हीं का दूसरा नाम होता है नेचुरल नंबर, या हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और इन्हीं का दूसरा एक और नाम होता है काउंटिंग नंबर। कोई आपसे पूछे ये बताइए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, इसमें यही दो काम किए, बाकी तो हम समझा दिए हैं, बस इसमें यही दोनों काम किए, ये वाली, ठीक है कि नहीं ठीक है।
अब आप बताना ध्यान से, कोई आपसे ये पूछे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, एक से, और कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। इनको गिनती वाली संख्याएं भी कहा जाता है। कैसे गिनती वाली? आप कभी कोई ये सुना है कि वहां पर माइनस के चार लोग बैठे हुए? नहीं, माइनस की संख्याएं कभी गिनती में आती नहीं है। कभी ये सुने हो कि वहां पर माइनस की चार संख्या है? नहीं, या साढ़े चार है? नहीं। तो एक से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक। और जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। और एक से लेकर इनफाइनाइट तक क्या बन जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम पूर्णांक को दोबारा लिखें तो पूर्णांक मैंने अभी आपको समझाया, इंटीजर कहते हैं, इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस के दो, माइनस के एक, जीरो, एक, दो, तीन और डॉट 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 इनफाइनाइट। अब मैं एक काम करता हूं कि इनमें दो का गुणा करता हूं, तो करिए दो का गुणा। तो दो का गुणा अगर हम इसमें करें तो माइनस के इनफाइनाइट में तो इनफाइनाइट ही होगा, तो किसी का भी गुणा कर लो। दो में करिए तो माइनस के चार, एक में करिए माइनस के दो, जीरो में करिए दो, जीरो और एक में करिए दो और दो में करिए चार, तीन में करिए छह। यानी अगर इनको हम कह दें कि ये n संख्याएं हैं, तो यहां पे हमने क्या किया है कि 2n किया है, मतलब प्रत्येक संख्या में क्या किया गया? दो का गुणा किया गया। इन्हीं संख्याओं को कहते हैं हम सम संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहते हैं इवन नंबर। और ये जो संख्याएं हैं वो 2n की फॉर्मेट में होती हैं, 2n के रूप में, ठीक है। अब कुछ संख्याएं बच भी गई, जो बच गई वो सब विषम होती है। विषम का कोई रूल नहीं है, जो बच गई वो सब विषम है। ऐसे से गाने लगाते हो, ऑड संख्याएं। जैसे कौन कौन सी बच गई? बंद रहने दो भी। माइनस के तीन, माइनस के एक, जीरो, एक सॉरी जीरो कहां बची है, एक, तीन, पांच, सात। इसका एक दूसरा मीनिंग हम ये भी निकाल सकते हैं, ऐसी अब देखो एक बात और देखना यहां पर। जैसे इसमें गुणा किया हमने तीन, दो में, किसी में भी कर लो, तो दो दूनी चार। इधर देखना आगे, हम आपको कंसेप्चुअली समझा रहे। दो दूनी चार, चार से एक ज्यादा विषम और चार से एक कम भी विषम। अगर हम दो दूनी चार कर लें तो मान लो, या एक में कर लो, किसी में भी कर लो, दो एकन दो, तो दो से अगली वाली संख्या वो भी विषम और पिछली वाली संख्या वो भी विषम। तो यानी ये जो फॉर्मेट होगा इसका फॉर्मेट होता है 2n प्लस माइनस 1। जो भी सम संख्या है उसमें अगर एक जोड़िए तब भी विषम आएगी, मतलब एक अगली वाली और उसके पिछली वाली भी कैसी होगी? विषम, दोनों विषम होंगे। अब इनका एक सीधा सीधा मीनिंग भी निकाल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाएं उन्हें क्या कहते हैं? सम। और जो दो से ना कटें उन्हें क्या कहते हैं? विषम। सब जानते हैं इस बात को, ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाएं उन्हें क्या कहते हैं? सम। और जो संख्याएं दो से ना कटें उन्हें क्या कहते हैं? विषम। बोलते रहा करो, कम से कम मन तो तुम्हारा यहां रहे, मन इधर उधर भटक जाते हो। जो दो से कट जाए उन्हें सम और जो दो से ना कटे उन्हें विषम। अब आप एक और बात समझना यहां पे, तो आपसे पेपर में एक बार यह पूछा गया था कि जीरो क्या है, तो आप बताइए जीरो सम है कि विषम है कि दोनों है कि एक भी नहीं है? बोलो, खच्चर है। अभी तो अभी समझाया ये कि जीरो सम में या विषम में कहीं लिखा है, तो जीरो सम नहीं हो गया, मतलब पढ़ा पढ़ाया सब बेकार कर दिए। सही है कि नहीं सही है? तो जीरो किस में आएगा? सम में। ये एमपी पुलिस के पेपर का सवाल है। तो जीरो जो है, देखो ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, तुम गलत करके आ जाते हो, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और ये समझा दिए जीरो, ऐसी इसीलिए हम ऐसे समझाए, नहीं तो हम एक लाइन में भी तुमको समझा सकते थे कि जो दो से कट जाए सम, न कटे विषम, तो फिर आप जीरो पे फंस जाते। तो जीरो हो, माइनस की संख्या हो, तब भी वो सम विषम होगी। चार माइनस का सम है, माइनस का तीन विषम है, तो माइनस प्लस से सम विषम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात सबको क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें सिखा रहे, ये जरूरत पड़ेगी आगे चल के, कल से जब नंबर सिस्टम शुरू करेंगे या पूरे मैथ में जरूरत पड़ती है। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई दो इवन संख्याओं को जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या कैसी संख्या प्राप्त होगी? कैसी संख्या प्राप्त होगी? इवन। अरे दो यहां भी है, दो यहां भी है, इवन ही प्राप्त होगी। अगर घटाया जाए तो घटा के देख लो, चार छह, चार छह जोड़ के देख लो। अगर हम मान लो इवन और ऑड को जोड़े कैसी आएगी? मन में प्रैक्टिकल करो तुरंत, एक विषम ले लो एक सम, ऑड आएगी। और घटा भी दो तब भी यही आएगी, दोनों पे एक ही रिजल्ट रहता है।
अगर हम मान लो ऑड ऑड जोड़े तब या घटाएं तब भी इवन, सही है कि नहीं सही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गुणा वाला सब जानते ही है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे इवन इवन का गुणा करो भैया, तो इवन इवन का गुणा इवन रहेगा क्योंकि दो यहां भी है दो यहां भी है। इवन इवन का मतलब क्या हो, सम का मतलब जिसमें दो पहले से शामिल है और जिसमें दो शामिल नहीं है उसको क्या कहेंगे, विषम। बोला करो ठीक है कि नहीं ठीक है, हम यहां पढ़ा रहे हैं तुम इधर उधर पहुंच जाते हो गए। अब देखना यहां पर इवन और ऑड, इवन और ऑड का गुणनफल क्या होगा बताना, एकाल मौ फोड़ देंगे हम। अरे तुम ये छोटी सी बात सोचो, जामे दो शामिल है इसमें दो शामिल नहीं है, तो जब गुणा होगा तो दो शामिल नहीं हो जाएगा, कोई चेक कर लो प्रैक्टिकली, तीन और चार ले लो कैसा हुआ, ऐसे सिखाए दिख रहे, आ रहा है समझ में हाँ कि नहीं, तो अरे तो इवन ही आएगा। अरे जामे दो बैठा हुआ है इसमें नहीं बैठा हुआ, दोनों मिल गए, मान लो तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे घर में सिलेंडर नहीं था, जहां से शादी हो रही है उसमें सिलेंडर था, दोनों मिल गए तो सिलेंडर तो आ गया ना तुम्हारे घर में, ऐसे ही है ये दो मान लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा इवन। और अगर ऑड ऑड हो तो ना सिलेंडर इनके घर में ना सिलेंडर इनके घर में, सिलेंडर है ही नहीं, सही है। अब आप बताना क्या किसी इवन संख्या में ऑड का भाग जा सकता है, पांच का भाग बीस में इवन है और ये ऑड है चला गया, तो इसमें ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इवन ले लो भैया अठारह और ऑड ले लो पांच तो नहीं जा रहा, तो यहां पे जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, इस पे कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं बनेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इंग्लिश में लिखूं नॉट से समथिंग, ठीक है, अगर ये मान लो ऑड बटे इवन कर दें तब उल्टा कर दिए, अब पक्का है कि नहीं जाएगा, अब ये पक्का हो गया कि नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे दो बैठा है ऊपर दो है ही नहीं कटने को, तो पूरा पूरा जाएगा ही नहीं। अब ये आप कहेंगे ऐसे कहां जरूरत पड़ती है, ये जरूरत पड़ेगी आपको एलसीएम एचसीएम में, अब ऑप्शन देख के तुरंत पता चल जाएगा कि समय तो सम का भाग जाएगा कि विषम किस में नहीं जाएगा, या अन्य टॉपिकों में जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसमें पक्का है कि जाएगा ही नहीं, आप कोई भी उदाहरण सोच के देख लो भाग जाएगा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, तो ये हो गया इवन ऑड। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगली संख्या है भाज्य और अभाज्य, पहले अभाज्य समझाएंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर, इनको रूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है, इनको अविभाज्य भी कहा जाता है, अविभाज्य। देखो ऐसी संख्याएं जो संख्याएं किसी से कटे ना उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, किसी से ना कटे। अब एक से तो सभी कटी जाती है, अब खुद ये तो सभी कटी जाएंगी ना, खुद से भी सब कटेंगी और एक से भी कटेंगी, इनके अलावा ना कटें, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी समझ सकते हैं कि जिनके फैक्टर दो हों, जिनके फैक्टर दो हों वो अभाज्य, एक तो एक हो और एक वो स्वयं हो, इसके अलावा ना हो तो वो अभाज्य संख्या है। जैसे दो, अब दो एक और दो के अलावा किसी से नहीं कटती, तीन एक और तीन के अलावा किसी से नहीं कटती, पांच एक और पांच के अलावा किसी से नहीं कटती, सात एक और सात के अलावा किसी से नहीं कटते, बस अब तो समझ गए होंगे आप, ठीक है, इनके यानी दो दो फैक्टर हैं। अब इतना तो पूछेगा नहीं पेपर में, ऐसे थोड़ी पूछेगा बताइए सात अभाज्य है कि भाज्य, ठीक है। अब आप देखना ये गलत ट्रू फॉल्स थोड़ी आता है पेपर में, हमारे ट्रिपल सी में आता है, आता मतलब हमें बता रहे हम सैटरडे को पेपर देखे हैं, तुम्हारे में नहीं आया होगा हमारे में आया है, ठीक है देखिए बात नहीं है, तो आप हमें ये बताइए इधर देखना आप आगे, ठीक है, तो सात एक कौमा सात, अब आप देखना आगे मैं आपसे ये पूछूं यहां पे, ये बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, और सब लोग कर लियो ट्रिपल सी पे लेखपाल की जगह आ रही है, तीन चार हजार में हो जाती है आराम से भर दो, एक महीने में हो जाती है, ये मान लो अगले तीन महीने आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये फिर जगह नहीं आने वाली अगली बार,
और आएंगी तो आप बचेंगे नहीं पेपर देने के लिए। अरे आप सोचो लेखपाल की 6 साल बाद आ रही है, एसआई की 6 साल बाद आ रही है, अब तुम सोचो 6 साल में तुम कहाँ होगे, घर परिवार के होगे, लड़कियां भी होंगी, तुम भी होगे, सब सब अपना कोचिंग तो बहुत दूर जा चुकी होगी तब तक 6 साल बाद। ठीक है देखो, पर तुम अपने लड़के करियां वरियां कुछ रहे होंगे, लड़कियां गोबर डाल रही होंगी सुबह, यही काम रह गए। देखो आगे तो अगले 3 महीने मतलब समझा रहे, कोई थोड़ी के भविष्य देख रहे, मतलब एक समझा रहे कि डर जाओ लड़कियां, और एक गोबर डालना पड़ेगा, गंदा होता है बहुत ज्यादा, लड़के खुरपिया कुछ नहीं पड़ेगी। देखो इधर देखो आगे, तो सबसे छोटी संख्या आवाज संख्या कितनी होगी, 2। तो आप जितनी जी जान लगा पाए अगले 3 महीने, आप सोचो हमारे जैसे लोग जो कोचिंग पढ़ा रहे थे, हम पूरे दिन में 5 बैच पढ़ा रहे हैं, कहां 11 11 12 12 बैच पढ़ाते थे, नहीं पढ़ा रहे इस साल, ना पढ़ाएंगे दिसंबर तक, फिर पढ़ाएंगे। देखो तो तुम्हारा बैच भी तो बड़ा मुश्किल में हमने इसीलिए शुरू किया है, नहीं हमारा मन नहीं था, हम पढ़ाएंगे नहीं अगले 2 महीने और। देखो आगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। आप मुझे ये बताइए सम और अभाज्य, ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, कितनी हो जाएगी, 2। इसके अलावा ऐसी कोई दूसरी संख्या है ही नहीं। अगर मैं पूछूं आपसे विषम भी हो और अभाज्य भी हो, यहां तो बहुत हो जाएंगी, 3 5 7 सब विषम ही है, तो यहां वो पूछेगा सबसे छोटी, यहां एक ही है, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओए कल को यहां पर ये दे दे, बड़ी से बड़ी वह संख्या बताइए जो सम हो और अभाज्य हो, तब भी आंसर 2 ही लगाएंगे, नहीं तुम पहुंच जाओ रे पता नहीं 1 लाख, अनंत होगी, अनंत वनंत नहीं होगी, 2 ही होगी, इसके बाद सब भाज्य मिलेंगी। सबसे छोटी पूछ ले तब भी यही आंसर लगाएंगे, बड़ी पूछ ले तब भी यही लगाएंगे, एकमात्र इकलौती यही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब आपको हम और आगे समझाते हैं, अगर हम आपसे ये कहें 100 तक की गिनती में देखिए, देखो 100 तक की गिनती में क्या क्या होंगे, सबसे पहली होगी 2, अगली क्या होगी, 3, अगली 5, ठीक है कि नहीं ठीक है, हमारा फोन कहां गया, ठीक है कि नहीं ठीक है, अगली होगी 2, 2 के बाद कितनी होगी, 2 फिर कितना, 3 फिर 7 फिर जल्दी नहीं बोलते जा रहे तो छोटी बात, 11 13 15, चुप रहो, बोलो 17 51 होता है, '19 57 कट रही है, 3 से कट रही है, इसके बाद 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 फतासी 29 से 87 होता है, 88 89 90 91 92 93 3 से कटता है, 94 95 96 97 कितना, ये 25 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एक और बची अभी, 81 तो 3 से कट, 9 81 2 3 5 7 11 13 17 19 कौन सी कटी है, और देखो कौन सी बच गई, 23 29 एक नहीं होती, एक ना तो बाज्य ना बाज्य, 37 39 40 41 42 43 44 45 जल 13 97 94 45 45 46 47 48 49 50 89 सही है, 89 यहां आ जाएगा, और लास्ट कौन सी थी बताई थी, 97 25 हो गए। तो इसमें से कई आप फैक्ट याद रखेंगे, वैसे हमें 25 याद रखो, ये कोई चेक थोड़ी करना है, तो 1 से 100 तक जो होती है वो कितनी होती है, 25, ये पढ़ लेंगे आप अपने आप याद हो जाएंगे, 1 से 50 तक कितनी होती है, 15, और 1 से 25 तक कितनी होती है, नहीं चेक करो,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नहीं कभी नहीं पूछा ये थोड़ी है, तो कल कहेगा 300 तक पूछ नहीं, तब ये थोड़ी कोई बात होती है जितना पहले से चला आ रहा है, ठीक है कि नहीं ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई, बताना द्वारा एक से सौ तक कितनी होती है, 50 तक बोला करो, यहीं कहीं याद हो जाता है 15, और एक से 25 तक, 50 से 100 तक, अरे 100 तक 25 है, 50 तक 15 है, बाद में 10 बच गई, हाँ या ना, उदास नहीं बैठा करो, बोला करो, ठीक है द्वारा बताओ, एक से 100 तक 25, 50 तक 15 और 25 तक 9। अब देखना, अब मैं आपसे पूछूं ऐसी संख्याएं जिनमें दो दो का गैप हो, ऐसी संख्याएं जो दो दो का गैप हो, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 44, 75, 76, 77, 78 बस आठ हो गई होंगी, देखना ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 59 और 61 आठ होती हैं। इन्हें कहते हैं हिंदी में द्विक प्राइम नंबर। हिंदी इसकी इतनी ज्यादा पता नहीं मुझे, पेपर में आया कई बार, 19 में आया, 20 में आया, और CHFL वगैरह छोड़ो छोटे छोटे पेपरों में भी आया, इनको इंग्लिश में पता है क्लियर, ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। तो ये ऐसे पूछा गया है, एक से सौ तक की संख्याओं में ट्विंस प्राइम नंबर के कितने पेयर होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, तो आंसर आ जाएगा कितने होते हैं, आठ। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, बाकी तो आपको ये भी लोगों को याद ज्यादातर है, ये नया है आपके लिए। तो एक से सौ तक कितने ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं, आठ जोड़े होते, तो 16 है लेकिन आठ पेयर। द्वारा बताओ, एक से सौ तक अवाच्य संख्या है 25, 50 तक 15 और 25 तक 9 और ट्विंस प्राइम नंबर के पेयर 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये बताइए ऐसी तीन क्रमागत अवाच्य संख्याएं, भैया बात नहीं, तीन क्रमागत अवाच्य संख्याएं कौन सी होंगी, तीन क्रमागत अवाच्य संख्याएं, क्रमागत का मतलब जानते हैं, जो क्रम में हो, क्रम क्रम का मतलब होता है जो एक सीरीज बनाए, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है समांतर श्रेणी, जो समान ऐसी तीन संख्याएं जो समांतर श्रेणी में हो वो संख्याएं बताइए। तो 3, 5, 7 इसके अलावा ऐसी कोई संख्याएं होती नहीं है, देखो यहां दो का गैप है, यहां भी दो का गैप है। अब इस पे सवाल कैसे बनेगा, इस पे सवाल ऐसे बना है कि तीन क्रमागत अभाज्य संख्याएं, तीन क्रमागत अभाज्य संख्याएं ए स्क्वायर माइनस के वन और ए स्क्वायर प्लस के वन और ए स्क्वायर प्लस के तीन हैं, तो ए का मान बताइए, ऐसे सवाल पेपर में आया है। ये सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये तीनों संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में हैं, तो आप एपी एपी में हैं, तो आप बताइए ए का मान क्या होगा। तो देखो आप ये बात जानते हैं कि ऐसी संख्याएं 3, 5, 7 के अलावा कोई है ही नहीं, तो ये जो वैल्यू है वो 3 की है, ये जो वैल्यू है वो 5 की है, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, 7 की। तो चाहे तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, किसी एक से जगह सॉल्व कर लीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर 4, ए बराबर कितना आ जाएगा, 2। हालांकि इस पर और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, बस आप ये ध्यान रखिए तीन क्रमागत अवाच्य संख्याएं कौन सी होती है, 3, 5, 7। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं भाज्य संख्याओं पर। अभाज्य बहुत बड़ा था, भाज्य एक दो ही बातें याद करनी है। भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखना, आप भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिनके फैक्टर दो से ज्यादा हो, दो से अधिक, कैसे 6, तो 6 के 1, 2, देखो 1 और 6 के अलावा भी तो होगा 2 और 3, फैक्टर मतलब जिनसे भाग चला जाए। मैं पूछूं आपसे बताइए 4, तो 1 और 4 के अलावा भी तो होता है 2। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 4। एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल। अब आगे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 4।
और आगे बताना, सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भी हो और भाज्य भी हो कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तीन अभाज्य की भाज्य, तीन कैसी है? अभाज्य। तीन के दो ही तो फैक्टर होते हैं, अभी तो तुमने तीन को पढ़ाई है, देखो तीन को पढ़ा है, कौन सी हो जाएगी? नौ। इससे छोटी कोई नहीं होती है, ये ध्यान रखना, यही गलती वाला आपका सवाल है। इसमें सम पूछ ले, सम तो चार होती है ना, विषम विषम दोनों बताती है। अब बढ़ते हैं आगे, भाज्य का ज्यादा सवाल कभी नहीं पूछा गया, अभाज्य पे बहुत बनता है, एवरेज पूछ लेता है प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का, छोटी छोटी बात है। अब आप हमें ये बताइए, देखो डेसिमल नंबर की अगर हम बात करें तो डेसिमल नंबर क्या होता है? अब जो एक टाइप छूटा गया था उसे देखते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर वो होते हैं जो दशमलव की संख्याएं होती हैं। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दशमलव की संख्याएं। अब दशमलव की संख्याएं भी कैसे कैसे, जैसे एक तो ये हो गई, एक मान लो ये हो गई, ऐसे करके दी जाती है, ये भी तो दशमलव की है। या ऐसे हो गई 0.333333333, सही है कि नहीं सही है? तो ये सब संख्याएं कैसी हैं? दशमलव की संख्याएं। अब इन दशमलव की संख्याओं को आप दो भागों में बांट सकते हैं, इन पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी टेंशन नहीं लो, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हाल फिलहाल के दो सालों में। दशमलव की जो संख्याएं हैं इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ऐसी 1.4, 2.5, 2.24, ऐसी संख्या है। और एक ऐसी संख्या है इस प्रकार की, ये सब। अब इनका जो नाम है इनको कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं। आराम आराम से समझना, ऐसा नाम क्यों है इनका? ऐसा नाम इसलिए है, एक अंक के बाद या दो अंक के बाद या तीन अंक के बाद जो संख्याएं खत्म हो जाएं उन्हें कहते हैं शांत, यानी रुक गई। आगे देखो, ए नीचे नहीं देखो, इधर देखो, ठीक है, शांत दशमलव संख्या। जैसे इंग्लिश में नाम इनका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब समाप्त होने वाली, और इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इनका नाम होगा अशांत दशमलव संख्या। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अशांत दशमलव संख्या। अब मैं आपसे कहूं अशांत दशमलव संख्या ये हो गई, चलिए भैया इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब अशांत दशमलव संख्या इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो वो संख्याएं जहां एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, या ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, या एक अंक या दो अंक की हो रही है, जैसे 23 23 23 23, या तीन अंक बाद, और एक वो जिनकी पुनरावृत्ति हो ही ना, जैसे 3.14 16, या मान लो कुछ और 2.14 3 2 5 7, ऐसे करके। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये इनका देखो एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, आवृत्ति का मतलब होता है रिकरिंग, या दूसरा मतलब हो सकता है रिपीट, किसी चीज को रिपीट करना क्या मतलब क्या होता है? बार बार आना, सही है कि नहीं सही है? किसी चीज को रिपीट करने का मतलब क्या होता है? बार बार आना, रिपीटिंग। तो इनका नाम होता है अशांत, तो दोनों ही है, अशांत दशमलव संख्या। अशांत ये हो गई, शांत ये हो गई, अशांत आवर्ती, एक ही अंक की पुनरावृत्ति, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, कभी कभी रिकरिंग के नाम, हिंदी इसकी बड़ी बेकार है। एक बार 2020 के पेपर में आया था अवसानी, अब तुम अनवसानी उनको कहते हैं, इन बड़ा गलत नाम है। ठीक है, तो हम लोग क्या देवरानी जेठानी सुनते हैं, ये अनवसानी नया नाम आया। ठीक है, तो हिंदी में इसके चक्कर में पढ़ना भी नहीं, हिंदी कई, अब देखो अभाज्य की हिंदी भी कई होती है, रूढ़ अविभाज्य बहुत सी हिंदी हो जाती है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में अगर आप देखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ये तो हो गई हिंदी में, इंग्लिश में इसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश ही आप ध्यान रखें जो ना खत्म हो, रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर, और इसको नॉन रिकरिंग, ना खत्म भी नहीं हो रही और रिपीटिंग भी नहीं हो रही, अशांत अनावर्ती, वो आवर्ती ये अनावर्ती दशमलव संख्या। अब आप देखना ध्यान से दशमलव संख्या, अब आप मुझे ये बताइए इन संख्याओं को क्या अंशवट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है? आराम आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी थोड़ी कर रहे हैं,
लिखा जा सकता है। कहां गए थे लल्ला तुम? इतना ज्यादा जरूरी था? प्रधानमंत्री तो हो नहीं जो तुम घर पर कुछ काम करवा दोगे जाके, हद करते हो। पढ़ लो मन से, एक आध महीने दो महीने समझा रहे हैं इतना, फिर ये फोन ही फोन रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, देखो एक डेढ़ घंटे मोबाइल नहीं बंद कर सकते, क्या करोगे? तो आप मुझे ये बताइए, ये तभी तो हम यही बोल बोल के, हमें पता है तुम घर जाके कितने पढ़ते हो। एक तो फेसबुक चल गया, उस पर उल्टे उल्टे गाने आते रहते हैं, पतली कमरिया, ये तमाम वहां भटक जाते हैं आदमी। और फिर वहां इसी इसी सीन की वजह से हुई थी पिक्चर सुपर हिट, ऐसे ऐसे। तो उसमें ठीक है, देखो तो इसलिए ये हमने बदलाव देखा है आज से दो साल पहले का और अब का। आज का स्टूडेंट घर पर टाइम नहीं है पढ़ने को, वो ये चाहता है कोचिंग में रुपए दे दिए, अब आप जानो कैसे नौकरी लगेगी, आप लगवाओ, लगवाओ तो ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये हमने बदलाव देखे, अब कोई घर पर पढ़ता नहीं है। आप ये उम्मीद करो घर जाके घंटे पढ़ लोगे ना, इक्का दुक्का तो अलग बात है। तो ये बदलाव आए, अब स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि डेढ़ घंटे पढ़ाओ तो एकदम बैठ के पढ़ लें शांति से, नहीं, ये बदलाव आए पिछले एक डेढ़ साल से। हम सबसे कहते हैं, जीएस वाले सर से भी कहते हैं कि आप ये कोशिश करिए चाहे चार लाइनें लिखाओ, याद वो यहीं पे करा दो, क्योंकि तुम घर जाके पढ़ने ही नहीं हो, ये पक्की बात है। इतने काम हो गए, क्या बताया आदमी, मोबाइल ने बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है। पहले आप सोचो ना, 1 GB डाटा 1 महीने चलता था, अब 1.5 GB वाला आदमी प्लान लेता है, 1 GB वाला तो भूल ही गया, और 1.5 GB वो कम से कम दोपहर तक निपटा देता है, और फिर उसे लगता है ऑक्सीजन खत्म हो गई, कहां मिलेगा हॉटस्पॉट, कहां मिलेगा, ऐसा हो गया। लाइब्रेरी सुविधा चल गई है, आराम से बंदा पूरे दिन लगाई लीड, सब चल रहा है आराम से। ठीक है, देखो तो ये बहुत ज्यादा नुकसान किया हमारा, तो आप बताइए इसको बट्टे में ला सकते हैं? तो 14 बट्टे कितना लिख सकते हैं? 10। सही है कि नहीं सही है? अब देखना ध्यान से, इसे भी तो लिख सकते हैं, इसे कितना लिख सकते हैं? 25 बट्टे 10। इसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटाइए 2 0। आप बताइए इसको भी तो लिख सकते हैं, इसको आप, अभी हम आपको सिखाएंगे एक दो दिन में, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसको बार कहते हैं, डंडा जो लगा होता है, इसका मतलब होता है वो अंक बार बार आ रहा है, यहां 1.3 आ रहा है बार बार। अब इसका रूल ये होता है कि जितने पे बार लगा हुआ उतने बट्टे में 0 नहीं आते, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, नहीं तो हम सिखाएंगे, बट्टे में 9 आते हैं। जैसे यहां पर 2 लिखा हुआ है 23 बट्टे 99, ऐसे यहां पर होता है। फिलहाल अभी आपको टाइप तो समझा नहीं रहे, तो यहां पर हो जाएगा 3 बट्टे 9। सही है कि नहीं सही है? अब देखना, इनको भी हमने अंश बट्टे हर के रूप में लिख लिया और इनको भी लिख लिया, तो जो ये वाली संख्याएं थी ना, ये इनको भी अंश बट्टे हर के रूप में लिख लिया और इनको भी अंश बट्टे हर के रूप में लिख लिया। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बट्टे हर के रूप में लिख लेते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं, हम आपको याद दिला दें, परिमेय संख्याएं। ये जो गोला है ये परिमेय संख्याओं का गोला है, और जो संख्याएं अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ये वाले, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में अभी बताते हैं इरेशनल और रेशनल, अपरिमेय संख्याएं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब परिमेय परिमेय की परिभाषा क्या होती है? परिमेय परिमेय की परिभाषा ये नहीं होती कि जो अंश बट्टे हर के रूप में हो। ऐसी संख्याएं अंश बट्टे हर के रूप में तो कुछ है ही नहीं इस पृथ्वी पर, उन्हीं को लिखा जा सकता है। जैसे अपरिमेय की परिभाषा देखते हैं एक बार, एक होती है परिमेय, परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हो वो तो गलत बात है। ऐसी अब 4.5 कोई इस, ये तो अंश बट्टे हर के रूप में है ही नहीं, तो इसको आप अपरिमेय नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे परिमेय ही कहेंगे, क्योंकि परिभाषा सुनिए, ऐसी संख्याएं जो अंश बट्टे हर के रूप में हो ना लिखी जा सकती हूं। अब किसी ने कहा अच्छा लिखी जा सकती है, बट्टे में 0 हो तब तो उसका मान तो इनफाइनाइट आता है, परिमेय तो एक लिमिट में आया, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर दूसरी बात है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात इसकी कंडीशन होती है कि PQ दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक में 0 भी आता है, तो हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 होगा चलेगा। जैसे
अब कोई आपसे पूछे तीन पूर्णांक है, इसके नीचे एक मान लो परमेय है, चार परमेय है, साढ़े चार, साढ़े चार बट्टे दस लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के पैंतालीस बट्टे दस, तीन बट्टे दो परमेय है, बाईस बट्टे सात परमेय है, समझ रहे हैं आप, नोट नहीं करना कोई, और एक बट्टे तीन परमेय है, अंडर रूट चार परमेय है, अंडर रूट सोलह परमेय है, अंडर रूट पच्चीस बट्टे तीन परमेय है, इसको पांच बट्टे तीन लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात आती है अपरमेय की, क्यू बराबर जीरो मतलब जिन संख्याओं का जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब किसी संख्या का हर जीरो हो गया तो वो तो इनफाइनाइट हो गई ना, अपरिभाषित हो, इनफाइनाइट मतलब, इनफाइनाइट का मतलब परिभाषित नहीं होता, इनफाइनाइट का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसे हम गिन नहीं सकते, उसे कहते हैं अनंत। मैं समझा रहा हूं, देखो सबसे पहली बात मैं समझा, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो अब आप P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, आपने कहा फिर तो जीरो भी आएगा, हमने कहा बिल्कुल आएगा, फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी, तो हर में जीरो नहीं होना चाहिए, अंश में जीरो हो तो चलेगा, मतलब बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, बट्टे में जीरो हुआ तो वो अनंत बन जाता है, ऊपर जीरो हो, जीरो बट्टे चार ये जीरो होता है, ये परमेय के अंदर आएगा, ये परमेय के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपरमेय संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं इरेशनल नंबर, जैसे जिन्हें अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, 0.3215 7, अब इनका अंत भी नहीं हो रहा, कितनी जीरो आएंगी बट्टे में, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंडर रूट पांच, इसका मान आप कैलकुलेटर से निकालिए निकलता ही नहीं है पूरा एक्यूरेट, 2.1432 उल्टा सीधा। पाई, पाई का जो मान होता है वो 3.1416 ये होता है, और पाई का मान जो होता है वो पाई का मान फिक्स नहीं है, पाई, अब देखो आपको हम पाई का मान चेक कराते हैं, पाई का मान आपको कम से कम नेट पे 52-53 अंकों तक मिल जाएगा, और फिर भी उसकी एंड नहीं होगा, डॉट 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 लगा होगा, वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ एफ कहां गया, ये गया पाई, देखो ये देखो कितना बड़ा मान है, ये देखिए, ये देखो पाई का मान, इधर देखो आप पाई का मान कितना बड़ा है, देखो 3.141592 और फिर भी डॉट डॉट है, अभी भी खत्म नहीं है, ठीक है। और भी इसमें बड़े बड़े फोटो मिल जाएंगे जहां आपको पाई का मान और बड़ा दिया होगा, तो ये सब पाई का मान है। अब समस्या ये आ रही है कि इतना बड़ा पेपर में पाई का मान रखेगा कौन, मेंसुरेशन में सवाल आ गया, वृत्त की परिधि बताइए 2πr, अब सवाल नेक सा 2 और r, अब पाई का मान इतना बड़ा कौन याद करेगा, अरे ये तो समस्या हो जाएगी ना, पाई का मान इतना बड़ा कौन याद रखेगा, अरे याद ही नहीं कर पाएगा वो, और ये भी फिक्स नहीं है, तो इसी मान को एक सरल बना दिया गया, इसी मान को कि इसी को हम 22/7 लिख सकते हैं पाई का मान, इसका मान जो होता है वो 3.1416 होता है, इसके बाद इसका अलग हो जाता है और ये मान अलग हो जाता है, तो पाई का मान 22/7 सही नहीं है, सही मान तो ये है, ये लगभग में, क्यों लगभग में, वो इसलिए कि फिर इतना बड़ा याद कौन करता, भविष्य में दिक्कत हो जाती, लोग सब सवाल छोड़ के आते पाई वाले, तो ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया गया, तो पाई का मान, इसलिए पाई आपसे कभी पेपर में पूछ ले तो पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 कैसा है, 22/7 कैसा है, परिमेय, सही है कि नहीं सही है, इसके अलावा लेकिन पेपर में ऐसे नहीं पूछता, अभी पिछली बार पेपर हुआ था आपका जेल वार्डन का, जेल वार्डन का जो पेपर हुआ था उसमें सवाल ऐसे पूछा गया, चार ऑप्शन थे निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हम अभी करा देंगे, यह पूछ लिया गया, ऐसे करके चार ऑप्शन थे, एक ये दे दिया, ठीक है कि नहीं ठीक है, ऐसे करके दे दिए, चार ऑप्शन थे, मैं आपको दो ही दे रहा हूं, आपको बताइए इसमें से कौन परमेय है कौन अपरमेय है, या दोनों ही परमेय है या दोनों ही अपरमेय है, कैसे हैं,
ये जेल वार्डन में आया था ऐसा, ऐसे नहीं पूछेगा सीधा सीधा पाई एक परमेय संख्या, ये 2011 में पूछा जाता था पाई कैसी संख्या है, बताओ जल्दी से पाई एक कैसी संख्या है अपरमेय, अरे बताओ कौन सा परमेय, कौन सा परमेय, या दोनों परमेय, या दोनों परमेय, दोनों अपरमेय, बिल्कुल सिंपल है। देखते हैं इसको, आप बताइए क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते 116 बट्टे 29, 29 सौ के 116 होता है, हमने ये नहीं कहा कि है क्या, जिसको अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है, क्या अंडरूट 4 का मान 2 नहीं होता है, और 2 बट्टे 1 नहीं हो लिख सकते क्या, 2 के 1 दोनों पूर्णांक नहीं है क्या, दोनों है, तो जो ये वाली वैल्यू है ये कैसी है परिमेय, छोटे छोटे सवाल गलत कर देते हैं, ये देखो इसको लिखा जा सकता है पूरा 145 बट्टे 29, अब 29 पंजे 145, अब अंडरवुड 5 का मान क्लियर नहीं होता है, या अंडरवुड 5 पूर्णांक नहीं है, इसके बट्टे में एक बेसक लिख लो, लेकिन इसका मान पूर्णांक तो है ही नहीं, अंडरवुड 5 कहीं नहीं पढ़े थे हम पूर्णांक में, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। अब आपको परिमेय परिमेय क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं, तो लास्ट एक बचता है परफेक्ट नंबर, ये आपके लिए नया होगा थोड़ा सा, हिंदी में इसको संपूर्ण संख्याएं कहते हैं, इसकी हिंदी अलग अलग हो जाती है, ये भी एक दो साल से ही आना शुरू हुआ है, 2019 से, पहले नहीं आता था परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है इधर देखते हैं, जैसे मैं कहूंगा आपसे 4 के गुणनखंड क्या होंगे, जिनसे 4 में भाग चला जाए, 1 2 4, 6 के क्या होंगे, 1 2 3 और 6, अगला मैं एक और पूछता हूं आपसे 8, 1 2 4 8, 28 के 1 2 4 7 14 और 28, जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। अभी तक ये 2-3 बार आया है, एक बार ये परिभाषा पूछी गई थी ऑप्शन में दे रखी थी, और एक बार ये पूछा गया, वो मैं बताता हूं, तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। आप कहेंगे ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 4 खुद है तो योग तो ज्यादा होगा, तो फिर इसका मतलब होता है स्वयं को छोड़कर। अब देखो क्या योग बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो ये नहीं है, है नहीं हुआ है, तो सबसे छोटी जो परफेक्ट नंबर है, सबसे छोटी वो है 6 के बाद आती है 28, इसके बाद आती है 496, और इसके बाद आती है, और तुम अभी से कैसे आ गए अंदर, ठीक है, इसके बाद आती है 2128, ये क्लियर नहीं हमको, पहले इतना नोट, मतलब पहले बताइए इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देखो बात नहीं भैया, एक मिनट रुकना, वैसे हालांकि इस पर सवाल पूछा नहीं गया है, केवल यही पूछा गया है छोटी संख्या बताइए, ठीक है कि नहीं ठीक है, अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए, इधर देखना सबसे छोटी तो ये हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और उसके बाद 2 अंकों की ये हो जाएगी, 3 अंकों की ये हो जाएगी, और इसके बाद 4 अंक, एक और बचता है 4 अंकों के साथ, 4 या 96 होती है, मैं देख लूंगा एक मिनट रुकना, परफेक्ट नंबर इनके अलावा कोई नहीं होती है, मिल भी नहीं रहा कहीं, 30 सेकंड का टाइम दियो, कोई एक और होती है, अरे कहीं नहीं मिल रहा एक भी, ये बड़े मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के मिलते हैं, पेपर वाला ही पूछता है सीधा, 8128 बस, ये 4 ही होती हैं, होंगी आगे तो कभी पूछी नहीं गई, सबसे छोटी 2 अंकों की एकमात्र, इसके अलावा कोई होती नहीं, छोटी पूछे बड़ी पूछे एक ही आंसर है, 3 अंकों की और 4 अंकों की बस, तो ये 4 आपको याद रखेंगे, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, तो आप मुझे बताना, एक बार हम लोग दोबारा फिर देखते हैं, हम लोगों ने सब संख्याएं पढ़ ली, देख रहे हो कितना करा दिया, हद होती है ये, आप सोचिए आधा घंटा तो तुम्हें नोट करने में लगेगा, ये क्लास 2 घंटे की हो गई कम से कम,
और तुम कर लियो घड़ी लगा के आधा घंटे में नोट नहीं कर पाओगे। देखो ये याद तो आज का ही है, कल से थोड़ी याद करने वाली कोई बात ही नहीं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। जो हम लिखते हैं उन्हें वास्तविक और जो जिनकी कल्पना कर सकते हैं उन्हें काल्पनिक। ठीक है, अब दूसरी बात पूर्णांक। जो पूरी पूरी संख्याएं हो वो पूर्णांक, इसमें कौन सी याद करनी है? पूरी पूरी संख्याएं पूर्णांक, आधी अधूरी दशमलव की संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, जो धनात्मक ऋणात्मक जीरो ना तो पूर्णांक धनात्मक है ना ऋणात्मक। सबसे बड़ा देखो अगला बताया हमने, प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं जीरो और मिला लो। ठीक है, इसके अलावा सम संख्याएं जो दो से कट जाएं, जो ना कटे दो से वो विषम। ध्यान ये रखना है जीरो कैसी है, सम, इसमें यही बात ध्यान रखने वाली है बस। इसके अलावा ये तो सब छोटी छोटी सी बातें आप सब जानते हैं। अभाज्य, जो जिनके दो फैक्टर हो उन्हें अभाज्य, दो से ज्यादा हो उन्हें वो भाज्य। एक से सौ तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25, 50 तक 15, 25 तक 9, कितने ट्विंस प्राइम नंबर के जोड़े? 8। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य 2, विषम 3, और सबसे छोटी विषम भाज्य 9 होती है। उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है क्रमागत 3, 5, 7, 9। ठीक है, इसके अलावा परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं, इन्हें भी चाहो तो लिख लो नहीं तो बाद में। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक शांत जो खत्म हो जाए नहीं हो अशांत, एक ही जैसा अंक आए रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग जो एक जैसा अंक नहीं आए, जिन्हें अंशवट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय, जिन्हें अंशवट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय। ठीक है बस, और इसके अलावा बताएं परफेक्ट नंबर, सबसे छोटी 6, उसके बाद 28, उसके बाद 496, उसके बाद 8128। बस घर जाके दो मिनट में रिवीजन हो जाएगा, कैसे भूल जाओगे? अब तुम्हारे पास 5 मिनट भी नहीं है तो है हम तो डाल देंगे। अब तुम्हारे पास 5 मिनट भी नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल हम लोग नंबर सिस्टम को शुरुआत करेंगे, को प्राइम यहां नहीं, को एलसीएम में सिखा देते हैं, जिनका एचसीएफ बन हो वो को प्राइम कहलाते हैं। अब यहां कोई कहेगा एचसीएफ का होता है इसलिए नहीं समझा, ठीक है कि नहीं? ठीक है चलिए, तो फिर आगे कल फिर नंबर सिस्टम शुरू कर लेंगे। हाँ जाए हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, भेज देंगे अभी का एकदम का, मतलब कहां से